दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे 20 मई 2023 आज के लव राशि फल के बारे में। आज आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, आपकी रिलेशनशिप की स्थिति कैसी रहेगी, आइए जानते हैं। दोस्तों आज का लव राशि फल शुरू करें उससे पूर्व आपको बता दें, हमारा लव राशि फल चंद्र राशि यानी मून साइन के अनुसार होता है, उसी के अनुसार इस लव राशि फल को देखें व सुने। अगर आपको चंद्र राशि यानी मून साइन पता नहीं है तब आप इसे नाम राशि के अनुसार भी देख व सुन सकते हैं। दोस्तों आज चंद्रमा वृषभ राशि के रहेंगे, आज चंद्रमा सुबह 8 बजे तक कृतिका नक्षत्र में रहेंगे, उसके बाद में रोहिणी नक्षत्र के चंद्रमा हो जाएंगे जो कि चंद्रमा का स्वयं का नक्षत्र है। चंद्रमा आज वृषभ राशि अपनी उच्च राशि में है, किस प्रकार की स्थिति आपके लिए निर्मित करेंगे आज के चंद्रमा, आइए जानते हैं। बात करेंगे राशिफल की, राशिफल में हम बात करते हैं सबसे पहले राशियों के क्रम में सबसे पहली राशि मेष राशि के बारे में। मेष राशि वालों, अगर आप सिंगल हैं तो आज के दिन आप देखेंगे, क्योंकि चंद्रमा सूर्य के साथ में भी है, ये स्थिति बनेगी कि आपके अंदर ईगो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, आप बहुत ज़्यादा अकड़ में रहेंगे। सिंगल हैं तो वहाँ पर किसी भी व्यक्ति से आप बातचीत करते हुए अपनी वाणी पर विशेष नियंत्रण रखें, क्योंकि द्वितीय भाव वाणी का होता है, और अगर आप अपनी वाणी पर नियंत्रण रख लेंगे तो लोग आपसे आसानी से प्रभावित हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने वाणी पर नियंत्रण नहीं रखा और अनाप शनाप कुछ भी बोला, क्योंकि आप जब देखते हैं किसी को इम्प्रेस करना है या कुछ करना है तो आप ज़्यादा बोलने लगते हैं, और वो ज़्यादा बोलना आपके लिए सही नहीं है। आप जितना कम बोलेंगे उतना लोग आपके तरफ ज़्यादा प्रभावित होंगे। आज के दिन आप ऐसे लोगों से मिलेंगे जो फैमिली की बातें बहुत करेंगे, फैमिली रिलेटेड बातें बहुत करेंगे, तो वहाँ पर अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताते समय कुछ भी ऐसा मत बोलिएगा जिससे ईगो या अकड़ दिखाई दे, आपका अभिमान झलके। लव लाइफ में आज के दिन पार्टनर अपनी फैमिली के बारे में बहुत बात करेगा, फैमिली से आपके बारे में बात करेगा। आज बहुत ज़्यादा स्थितियां आपके लिए सकारात्मक दिखाई देती हैं, बहुत ज़्यादा पार्टनर से आपको प्यार मिलने वाला है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारी स्थितियां आपके लिए अच्छी दिखाई देती हैं। लेकिन आज के दिन इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा कि अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, आपके पार्टनर से बात आपकी नहीं हो रही है, तो वहाँ पर आपको कोई भी ऐसी हरकत नहीं करनी है जिससे आपके पार्टनर और ज़्यादा आपसे नाराज हो जाएं। अकड़, ईगो, बिल्कुल अभिमान त्याग दीजिए, क्योंकि ये आपके लिए सही नहीं है। और विशेष रूप से आपके लिए मैरिड लाइफ में आज बड़ी सावधानियां आपके लिए हैं, क्योंकि मैरिड लाइफ में बार बार बहुत सारी समस्याओं का सामना तो करना ही पड़ेगा, उसके साथ साथ पार्टनर की फैमिली भी आपको तंग करती हुई नज़र आएगी। शर्तों के साथ में बार बार रोक टोक और शर्तों के साथ में जीना पड़े, दिन में ऐसी कई बार स्थितियां बनेंगी जहां आपके पार्टनर बार बार आपके साथ में रहने के लिए शर्तें बता रहे हैं अपनी। मैरिड लाइफ में आज के दिन अगर आप अपने पार्टनर से दूर हैं तो आप दोनों के बहुत बुरी तरह बहस हो सकती है, और ख़ास करके पुरानी बातों को लेकर के हो सकती है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आज के दिन पार्टनर के साथ में काफ़ी अच्छी स्थितियाँ रहेंगी, एक दूसरे के साथ समय बिताएंगे और काफ़ी अच्छा समय बीतेगा, आज ये स्थिति है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि वालों की। वृषभ राशि वालों, सिंगल हैं तो आज के दिन आप डेट पर जा सकते हैं, लोग आसानी से आपके साथ में दोस्ती करेंगे और आसानी से प्रभावित होंगे। आज के दिन लव लाइफ में आज आपके पार्टनर आपको मिलने के लिए बुला सकते हैं, पार्टनर बहुत ज़्यादा आपको प्यार जताएंगे और कई गिफ्ट भी देंगे। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में स्थिति बहुत अच्छी होने वाली है आज के दिन, और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और मैरिड लाइफ की स्थितियाँ बहुत खूबसूरत हैं, यहाँ पर दिन आपका बन जाएगा, बहुत ज़्यादा अच्छी स्थितियाँ रहने वाली हैं, ये स्थिति है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि वालों, अगर आप सिंगल हैं तो थोड़ा सा आपको सावधान रहना है, किसी भी व्यक्ति से आप अगर मिलेंगे तो वो व्यक्ति आपको टाइम पास की तरह यूज करेगा, या आपको एक तरह से वो पैसे के लिए यूज कर सकता है, इसलिए ऐसे व्यक्ति के चक्कर में ना पड़ें। आज के दिन लव लाइफ में पार्टनर के साथ में मुलाकात या यात्रा आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है, आर्थिक नुकसानदायक हो सकती है, क्योंकि आपके काम बिगड़ जाएं, आपके करियर में रुकावटें आने लगें, या आपके करियर में कोई बड़ी दिक्कत आपको फेस करनी पड़े, आपके बिजनेस में कोई लॉस हो जाए, ऐसी स्थिति बन जाएगी। इसलिए यहाँ पर आप यात्रा न करें पार्टनर के साथ में, और अगर मुलाकात का समय आज निश्चित है तो आज के दिन झगड़ा भी हो जाएगा, ये भी निश्चित है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में स्थिति सामान्य है। मैरिड लाइफ में आज के दिन आपके पार्टनर के साथ में बहस और झगड़े होने वाले हैं, और खर्चों की वजह से झगड़े होने वाले हैं, तो अगर आप
खर्चे बहुत ज़्यादा कर रहे हैं या किसी और के लिए खर्चे कर रहे हैं, तो उस पर आपको या तो वो खर्चे या वो दूसरे लोगों पे जो खर्चे कर रहे हैं उन्हें छिपाना चाहिए, या तो फिर बहुत ही अच्छे से उन्हें समझा देना चाहिए, नहीं तो आप दोनों की बहस और झगड़े की स्थिति बनी रहेगी। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा है, आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा गिफ्ट उपहार देने वाले हैं, पार्टनर बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले हैं, ये स्थिति है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कर्क राशि वालों की। कर्क राशि वालों सिंगल हैं तो आज के दिन आपको कोई बहुत अच्छा व्यक्ति मिल सकता है, खास करके यात्रा में या आपके कहीं जॉब इत्यादि करते हो और सरकारी जॉब करते हो वहां पर आपको आपके ऑफिस में ही कोई व्यक्ति पसंद आ सकता है। लव लाइफ में आज के दिन आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा प्यार देंगे और सपोर्ट करेंगे, आपके कामकाज में सपोर्ट करेंगे, आपके स्टडी में सपोर्ट करेंगे। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है, आज के दिन बातचीत नहीं हो पाएगी, बल्कि थर्ड पार्टी की प्रॉब्लम भी आज आपको साफ नजर आएगी। मैरिड लाइफ की स्थिति देखी जाए तो मैरिड लाइफ में अगर आपका पार्टनर तुला राशि का है तो आज का दिन बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन अन्य किसी राशि का है तो आज बहुत ज़्यादा बवाल मचाए रखेगा और उनकी फैमिली भी आपको परेशान करेगी। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आज के दिन आपके पार्टनर से आपको बहुत शिकायतें हो सकती हैं, लेकिन आज उनसे कोई भी शिकायत करने का सही समय नहीं है। अगर आज उन्हें कुछ भी बोलेंगे तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि आपको ही वो इग्नोर करने लगेंगे और ये बिहेवियर आपके लिए बहुत ज़्यादा टॉर्चर जैसा होगा, ये स्थिति है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों अगर आप सिंगल हैं तो आज का दिन आपके लिए सामान्य है, लव लाइफ में बहुत बड़े बड़े सपने पूरे करने की कोशिश करेगा पार्टनर, आपकी बहुत सारी ख्वाहिशें पूरी करेगा। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में स्थितियाँ बहुत अच्छी बन रही हैं, फिर से पैचअप की उम्मीद दिख रही है। मैरिड लाइफ में आप कंफ्यूज होकर के नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा आपको परेशान करेगी और पार्टनर पर भरोसा नहीं कर पाएंगे, इस वजह से दिक्कतें आज रहेंगी। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आज के दिन आपको पार्टनर से बहुत प्यार मिलेगा और खास करके हो सकता है कि अगर आपका ब्रेकअप हो गया था तो उनके साथ में पैचअप हो जाए या फिर कोई और रिश्ता किसी और के साथ बन जाए, ये स्थिति है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वालों अगर आप सिंगल हैं तो आज का दिन आपके लिए अनुकूल है, बहुत ज़्यादा खास है। आज अगर आप किसी भी व्यक्ति कार्य क्षेत्र पर कार्यस्थल पर कोई व्यक्ति पसंद आता है तो विशेष रूप से आज आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा दिन बन जाएगा और भरोसा बहुत जल्दी हो जाएगा लोगों पे। बहुत सारी स्थितियाँ मैरिड लाइफ में भी अच्छी हैं, मैरिड लाइफ में भी पार्टनर आज कहीं विदेश यात्रा करवा सकता है या कहीं परदेश यात्रा मतलब दूर की यात्रा या बहुत अच्छे प्लेसेस पे जाना, ऐसी स्थिति बन सकती है। दिन बहुत ज़्यादा कूल रहेगा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आज के दिन हो सकता है थोड़ी बहुत बहस हो जाए या एक दूसरे के साथ में अभद्रता कर लें, लेकिन ये गलती दोनों की होगी, इसलिए दोनों लोग समझदारी से फैसला लेंगे और चीज़ें ठीक कर लेंगे तो दिन अच्छा रहेगा, ये स्थिति है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं तुला राशि वालों की। तुला राशि वालों अगर आप सिंगल हैं तो आज का दिन आपके लिए सामान्य है, लव लाइफ की स्थिति बहुत ज़्यादा आपके लिए खराब है, ब्रेकअप की भी स्थिति बन सकती है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में झगड़े वाद विवाद और बहस की स्थिति बनेगी, बहुत सारे आरोप बार बार सामने आएंगे। मैरिड लाइफ में आपके पार्टनर भी आपका जीना हराम करेंगे, बहुत ज़्यादा आपको तकलीफ ही देंगे। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आज के दिन आपके पार्टनर से आपकी बिल्कुल भी नहीं बनेगी और आप अकेलापन महसूस करेंगे, ये स्थिति है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वालों की। वृश्चिक राशि वालों अगर आप सिंगल हैं तो आज के दिन आपको मैरिज प्रपोजल मिल सकता है, लव लाइफ में आपके पार्टनर आपको छोड़ने की सोच रहे हैं, आपके पार्टनर आज हो सकता है कि आपको बोलें कि वो किसी और से शादी कर लेंगे। आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में स्थिति सामान्य है, मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा तकलीफें बढ़ सकती हैं आपकी और बार बार पार्टनर छोटी छोटी चीज़ों पे भी टॉर्चर कर सकता है, मतभेद बहुत रहेंगे और आज वो सिर्फ आपकी कमियां ही देखेगा और आपकी कमियां अगर उसे कमजोरियां पता हैं तो वो आपको बहुत ज़्यादा परेशान भी करेगा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आज के दिन आपके पार्टनर से आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा, इमोशनली खास करके बहुत सपोर्ट मिलेगा, इससे दिन आपका ठीक रहेगा, ये स्थिति है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं धनु राशि वालों की। धनु राशि वालों अगर आप सिंगल हैं तो आज का दिन आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बन सकता है, आज आपको बहुत अच्छा व्यक्ति मिल सकता है, लेकिन लव लाइफ में स्थिति थर्ड पार्टी प्रॉब्लम की है और बहुत ज़्यादा ईगो भी दिखाएगा पार्टनर, गलती होने के बावजूद भी आप पर ही नाजायज झगड़ा करेगा, आपको ही डांटेगा। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की स्थिति भी अच्छी नहीं है। मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा सेल्फिश नजर आएगा पार्टनर और वो अपने फायदे के लिए आपको इस्तेमाल भी कर सकता है, इसलिए यहाँ पर किसी भी प्रकार से उसके इमोशनल फूल नहीं बनना है, इमोशनल ब्लैकमेल करने के चक्कर में नहीं पड़ना है। किसी भी तरीके से अगर इमोशनल बातें पार्टनर करे तो समझ लीजिए कि वो अपने फायदे के लिए
आपको इस्तेमाल कर रहा है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आज के दिन आपके पार्टनर के साथ में आपकी यात्रा हो सकती है, किसी वजह से एक दूसरे के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताने को मिल सकता है, ये स्थिति है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं मकर राशि वालों की। मकर राशि वालों सिंगल हैं तो आज अचानक से ही आपकी लाइफ में कोई आएगा जिसकी आपको बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ऐसा व्यक्ति आपकी लाइफ में आ जाएगा, या आपको ऐसा व्यक्ति पसंद आ जाएगा, या ऐसे व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप में आ जाएगा। आज लव लाइफ में भी ये चीज़ एहसास आपको होगी कि कभी आपने सोचा नहीं था कि इतना आपको किसी से लगाव या प्यार हो जाएगा। आपको तो लगता था कि आपसे आपको किसी से प्यार होगा ही नहीं, ये बातें आपके माइंड में बहुत ज़्यादा आई, लेकिन ये चीज़ें जो हो गई हैं वो देख देख के सोच सोच के आप बड़े मन में परेशान रहेंगे। बहुत अच्छा दिन रहेगा। मैरिड लाइफ की स्थिति भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। मैरिड लाइफ में भी आपको पार्टनर से बहुत प्यार मिलेगा, लेकिन यहाँ पर मैरिड लाइफ में चीज़ का ध्यान रखिएगा किसी प्रकार से कोई गलती ना करें। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आज के दिन आपके पार्टनर आपको बार बार पे टॉर्चर कर सकते हैं, यहाँ पर स्थितियाँ अच्छी नहीं हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि वालों अगर आप सिंगल हैं तो आज का दिन आपके लिए सामान्य है। लव लाइफ में आज के दिन आपके पार्टनर आपके साथ बहुत ज़्यादा इमोशनल नजर आएंगे और आपको बहुत सारी उम्मीदें दिखाएंगे। हो सकता है कि आज के दिन वो जो उम्मीदें दिखा रहे हों वो उम्मीदें उन्हें भी पता हो कि वो पूरी कभी नहीं कर सकते, लेकिन अपने कुछ छोटे से स्वार्थ के चक्कर में आपके साथ झूठे वादे करें, झूठे सपने दिखाएं और बहुत सारे उनके बुरे इरादे आपको समझ में आ जाएं, लेकिन इससे आप बच नहीं पाएंगे क्योंकि आप उनके लिए इमोशनल हैं, इसलिए नहीं बच पाएंगे। मैरिड लाइफ में झगड़े वाद विवाद बढ़ सकते हैं, दो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में भी स्थिति सही नहीं है। मैरिड लाइफ में आज ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर के साथ में आपके उनके पेरेंट्स भी आपके खिलाफ खड़े हो जाएं और ऐसा लगे कि आप वहाँ पर अकेले पड़ चुके हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आज के दिन पार्टनर बहुत ज़्यादा खर्चे करेगा, आपको आर्थिक सहयोग देगा, ये स्थिति है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं मीन राशि वालों की। मीन राशि वालों अगर आप सिंगल हैं तो आज का दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण बन सकता है। लव लाइफ की स्थिति भी बहुत खास रहेगी, पार्टनर से बहुत प्यार मिलेगा। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में फिर से आपका रियूनियन हो सकता है, फिर से आपका पैचअप हो सकता है, फिर से एक नई शुरुआत हो सकती है। मैरिड लाइफ में आज दिल खोल करके खर्चे करेगा पार्टनर, आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल नजर आएगा और गलत फहमियाँ दूर होंगी। ससुराल पक्ष से सम्मान मिलेगा, ससुराल पक्ष से संबंध भी अच्छे होंगे। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आज पार्टनर आपका गलत फ़ायदा उठा सकता है, उसके झांसे में ना आए, किसी भी प्रकार से कोई बात ना माने। हो सकता है कि पार्टनर आज के दिन आपसे आर्थिक सहयोग, आर्थिक मदद लेने की बात करें, ये स्थिति है। दोस्तों यह था आज का लव राशिफल। अगर आपको आज का लव राशिफल पसंद आया, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।